તો પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કર્ણાટકે દેશદ્રોહીઓને એક મોટી સજા આપી છે ત્યારે સરકારના ટેકેદારોને છુપી રીતે બેકડોરમાંથી પાઠ ભણાવવામાં આવ્યો છે. ઝારખંડમાં ચૂંટણી સભાને સંબોધન કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ કોંગ્રેસ ક્યારેય મહાગઠબંધનનું પાલન કરતી નથી તેવું પણ તેમણે આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું અને વધુમાં તેમણે કહ્યું હતું કે સાથી પક્ષના દરેક ઉમેદવારને પણ હરાવવા જોઈએ. આઝાદી કે સમય હી ઉનકો ભલી ભાંતિ અંદાજ લગ ગયા થા કે અબ કોંગ્રેસ કિસ દિશા મેં જા રહી હૈ, કૈસા બરબાદી કા રાસ્તા ઉસને ચુન લિયા હૈ. વો ઉન શુરુઆતી લોગો મેં થે જિન્હોને કોંગ્રેસ કી વોટ બેંક કી પોલિટિક્સ પર રાજનીતિ કે લિયે રાષ્ટ્ર નીતિ કો દાવ પર લગાને કે ઉનકે તૌર તરીકો કો ચુનૌતી દી થી, સવાલ ઉઠાએ થે, લલકારા થા. છ સાત દશક પહેલે હી હજારીબાગ કે સપૂત ને સાફ કહે દિયા થા કે કોંગ્રેસ ભારત મેં ભ્રષ્ટાચાર કે દલ દલ કો જન્મ દેને વાલી હૈ. 70 સાલ પહેલે કહા થા ઉન જૈસે દૂરદર્શી વ્યક્તિત્વ કી હર બાત આજ હમ સહી હોતી હુઈ હમારી આંખો કે સામને દેખ રહે. ભાઈઓ બહેનો, મેં દેખ રહા હું જીતને લોક સભા મેં હૈ પૂરે રાસ્તે પર ઉતને લોક ચલ કરકે આ રહે હૈ. ઇતના બડા વિશાલ જનસાગર ઝારખંડ કી જનતા કા મિજાજ ક્યા હૈ इसके भली भांति दर्शन कराता. यहां के लोगों के दिल में विकास के प्रति कितना विश्वास है ये आज मैं इस जनसागर में देख रहा हूं. और मुझे झारखंड में जहां जहां जाना पड़ा, जहां जहां जाने का मौका मिला, हर सभा पहले की सारी सभाओं के रिकॉर्ड तोड़ रही है. राजनीतिक स्थिरता को लेकर क्या सोच रहा है और इसके लिए भाजपा पर कितना विश्वास आज देश को है उसका उदाहरण आज ही देश के सामने आया है. साउथ में, दक्षिण भारत में लोग कहते हैं जहां भाजपा कमजोर है, आज ही कर्नाटक में उपचुनाव के परिणाम आ रहे हैं. और इस उपचुनाव में कर्नाटक में वहां की जनता का द्रोह करने वालों का जनता ने जो मैंडेट दिया था उसको पिछले दरवाजे से छीन लेने वालों को कर्नाटक की जनता ने आज ऐसा करारा प्रहार किया है, ऐसा करारा प्रहार किया है कि देश में इस प्रकार की राजनीति करने वालों को आज कर्नाटक के मतदाताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से उनके मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. ये पूरे देश के तमाम राज्यों के लिए,
संदेश है कि अगर कोई जनादेश के खिलाफ जाएगा, जनता का विश्वासघात करेगा, जनता के पीठ में छुरा भोंकेगा, तो पहला मौका मिलते ही जनता उसे पूरी सजा देगी। अब कर्नाटक में जोड़ तोड़ वाली नहीं, वहां की जनता ने आज मोहर लगा करके एक स्थिर और मजबूत सरकार को नई ताकत दे दी है। साथियों, कांग्रेस की सच्चाई को झारखंड के लोगों को भी याद रखना है। कांग्रेस कभी भी गठबंधन के भरोसे पर खरी नहीं उतरी है। ये अपने मतलब के लिए गठबंधन और जनादेश का उपयोग करती आई है, फिर अपने हित के लिए अपने सहयोगियों को कठपुतली की तरह उपयोग करती है, जिसका परिणाम ये होता है कि जनता को सही शासन नहीं मिलता है। अस्थिरता, अनिश्चितता, खरीद बिक्री, पूरा राज्य उसमें डूब जाता है। झारखंड में ऐसा ना हो, झारखंड में एक स्थिर और स्थायी सरकार बने, ताकि 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ विकास हो, गरीब का भला हो, माताओं बहनों का कल्याण हो, नौजवानों का भविष्य बने, यही काम हो। कर्नाटक के परिणामों को याद रखना बहुत जरूरी है और पूरे देश को और ये उठा पटक की राजनीति करने वाले नेताओं को भी ये बहुत मजबूत संदेश है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के एक एक उम्मीदवार को झारखंड में भी हराना जरूरी है। मैं फिर एक बार कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।